हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 17,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 4 फोन या 5 फोन बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि 3 ही ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जो 17,000 के प्राइस रेंज में काफी धांसू फीचर के साथ मिल जाएगा। और इन सभी फोन में आपको पावरफुल प्रोसेसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, हाईर रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जर का सपोर्ट, 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा, बड़ा रैम स्टोरेज, एक फोन में आपको 5G का भी सपोर्ट मिल जाएगा। बोले तो इन सभी फोन में सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी फोन को लेते हैं तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। तो फिर ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का 3rd नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11s। ये फोन जो है ना इंडिया में कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है। तो फिर एक नजर डालते हैं इनका फीचर पे। 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 1000 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एमोलेड डिस्प्ले है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा दिखेगा ही, प्लस बैटरी का भी टिकाऊ होगा। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है और 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही है। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो MediaTek Helio G96 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर बना है। प्रोसेसर जो है ना प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। लगभग 3,35,000 इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का स्कोर काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का। तो नॉर्मल 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को लगभग 1 घंटा में फुल चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। आप पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। वहीं सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और आप इस कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस फोन का वेट 179 ग्राम है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है, जो कि Android 11 पर बेस है। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 6GB रैम तथा 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 16,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 17,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको ये फोन पसंद नहीं है तो इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का दूसरा फोन का। हमारे लिस्ट का दूसरा फोन आता है पोको के तरफ से पोको M4 Pro। देखिए यह 5G फोन नहीं है बल्कि 4G फोन है। देखिए पोको M4 Pro 5G को सिलेक्ट ना करने का बहुत सारा रीजन है। अगर रीजन बताने के लिए बैठ गए तो वीडियो पहाड़ के जैसा लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में समझिए, पोको M4 Pro 4G ये फोन कोई भी फीचर से आपको कम्प्रोमाइज नहीं करवाएगा। और वहीं पे आप पोको M4 Pro 5G को लेते हैं तो आपको भर भर के कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसे भी अभी 5G तो लॉन्च हुआ नहीं है, जब 5G आएगा तो एक से बढ़कर एक 5G फोन लॉन्च होगा। तो फिर ये बकवास को इधर ही रखते हैं, आप एक नजर डाल लेते हैं इनका फीचर पे। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 180 ग्राम है। 8mm का थिकनेस है। इस फोन का थिकनेस जो है ना ज्यादा नहीं है, पतला फोन है। 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 4G सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है, जो कि Android 11 पर बेस है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये तो खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। देखिए डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि काफी आनंद आएगा। और एमोलेड डिस्प्ले है तो इसका काफी सारा बेनिफिट्स भी है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो MediaTek Helio G96 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये प्रोसेसर आपको पता ही है कि 12 नैनोमीटर पर बना है। प्रोसेसर जो है ना प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का काफी अच्छा है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 3.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का स्कोर जो है ना काफी जबरदस्त है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का। तो नॉर्मल 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए यह चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप
मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल एचडी तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का कैमरा जो है ना काफी अच्छा दिया गया है, और आप काफी सारे मोबाइल में देखे होंगे कि इस प्राइस रेंज में 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ रहता है, और उस हिसाब से देखिएगा तो इस फोन का कैमरा काफी बेस्ट है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 6 GB का रैम तथा 128 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 6 GB रैम तथा 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 16,000 रुपया पे करना होगा, और 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 17,999 रुपया पे करना होगा। 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 14,999 रुपया पे करना होगा। ये फोन 3 वेरिएंट में आता है। रैम स्टोरेज के अकॉर्डिंग इस फोन का प्राइस सेट किया गया है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो अपना बजट के हिसाब से देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का सबसे बेस्ट फोन का। हमारे लिस्ट का सबसे बेस्ट फोन है Realme 9 5G। देखिए, अगर आपको एक धांसू स्मार्टफोन चाहिए प्लस उसमें 5G का सपोर्ट हो तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट है। इस फोन के बारे में तो हम जब एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये फोन कैसा फोन है। इतना तो पहले ही बता देते हैं कि इस फोन का फीचर काफी कमाल का दिया गया है। तो फिर अपना पुराना अंदाज से स्टार्ट करते हैं इस फोन का छोटा मोटा फीचर से, बाद में इस फोन का मेन फीचर को देखेंगे। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 188 ग्राम है। 8.5 mm का थिकनेस है। थिकनेस जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 4G सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। ये फोन Realme UI V 2.0 के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। इस फोन में आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स दिखेगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये तो था खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया है, इससे आपको कम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट डिस्प्ले इस फोन का ठीक ठाक ही दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और 600 नीट्स का ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये प्रोसेसर 6nm पर बना है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी धांसू प्लस खतरनाक प्रोसेसर दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस फोन का स्कोर लगभग 5.5 लाख के आसपास है, और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का स्कोर जो है ना काफी बेस्ट है। प्रोसेसर से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो नॉर्मल 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि कम से कम 33 वाट का चार्जर का सपोर्ट मिलना चाहिए था। खैर अपना हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय तो लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 6 GB का रैम तथा 128 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 14,999 रुपया पे करना होगा, और 6 GB रैम तथा 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 17,499 रुपया पे करना होगा। अगर आप इस फोन को सेल ऑफर में ट्राई करते हैं तो ये फोन आराम से आपको 17,000 के अंदर में मिल जाएगा, या फिर अगर आप कार्ड वगैरह भी यूज करते हैं तो आराम से ये फोन आपको 17,000 के अंदर में मिल जाता है। अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए और उसमें 5G का सपोर्ट हो तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट है। सिर्फ 5G सपोर्ट के कारण इस फोन में काफी सारा फीचर को कम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है, लाइक कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले ना होना, ऐसे काफी सारे फीचर हैं। इस फोन में सबसे अच्छा बात है कि काफी धांसू प्रोसेसर दिया गया है, वो भी 6nm पे बना है, और इस फोन का स्कोर भी काफी जबरदस्त है। अगर आप इस फोन को भी लेते हैं तो आपको पछतावा नहीं होगा। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।